भविष्य निधि का प्रवर्तन अधिकारी ट्रैप, बड़ी खबर। एसीबी ने 1.5 लाख की रिश्वत लेते किया ट्रैप। एसीबी ने दीपक बड़जात्या को यहां पर ट्रैप किया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें, कर्मचारी भविष्य निधि का प्रवर्तन अधिकारी ट्रैप यहां किया गया है। एसीबी ने 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि का प्रवर्तन अधिकारी ट्रैप यहां पे कर लिया गया है। एसीबी ने दीपक बड़जात्या को यहां पर ट्रैप किया गया है। तो जयपुर ने एसीबी की बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। तो दीपक बड़जात्या का नाम है और एसीबी ने 1.5 लाख की रिश्वत लेते इनको ट्रैप कर लिया है। बड़ी अपडेट, कर्मचारी भविष्य निधि का प्रवर्तन अधिकारी ट्रैप यहां पर हुआ है। एक्सक्लूसिव ये जानकारी आपको बता दें, कर्मचारी भविष्य निधि का यहां पर बड़ा खुलासा और बड़ा ट्रैप यहां पर हुआ है, आपको बता दें। और कर्मचारी भविष्य निधि का प्रवर्तन अधिकारी यहां पर ट्रैप किया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की, राकेश दाधीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर पर। राकेश, क्या कुछ जानकारी, कैसे ये पूरा मामला सामने आया है? बिल्कुल, एसीबी की लगातार भ्रष्टाचारी पर लगाम की कार्रवाई देखने को मिल रही है। उसी क्रम में आज एसीबी ने जो बड़ी कार्रवाई को जयपुर में अंजाम दिया है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि का जो प्रवर्तन अधिकारी है दीपक बड़जात्या, उसको 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। क्योंकि जो परिवादी था उसने शिकायत दी थी एसीबी ने कि 5 साल की जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करनी थी, उसके एवज में प्रतिवर्ष 50,000 रुपए के हिसाब से कुल 2.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा था। इसी क्रम में आज सत्यापन किया गया और रंगे हाथ उसको गिरफ्तार किया गया, जहां जो दूसरी एसीबी की जो टीम थी उसने आवाज से सर्च किया, जहां पर 9 लाख रुपए से अधिक की नकदी मिली है। मौके पर फिलहाल अभी कार्रवाई जारी है। ठीक है राकेश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।